नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में आज जमकर हंगामा हुआ। जी हां, देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले फौजियों ने जब उनकी सुनवाई ना हुई तो पेट्रोल लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच गए। उसके बाद जमकर हंगामा हुआ, बामुश्किल उनको समझाइश दी गई। मैं आपको बताऊं, फौजी जो देश की सरहदों की हिफाजत करता है, यहाँ उसके जब घर में कोई नहीं रहता तो आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार उनकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं। फौजी जब अपने घर आया तो उसको ये पता चला कि उसकी ज़मीन किसी ने कब्जा कर ली है। वो शिकायत लेकर पुलिस से लेकर तमाम लोगों तक पहुँचा। जब उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई तो आज वह थक हार कर पेट्रोल लेकर सीधे कलेक्ट्रेट परिसर पहुँच गया कलेक्टर के पास। पेट्रोल हाथ में कलेक्टर के परिसर के अंदर जब उसके हाथ में देखा गया, अनन फनन में सारे अधिकारियों को हालत खराब हो गई। उसको बामुश्किल रोका गया, तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। आइए आपको सीधे दिखाते हैं पेट्रोल लेकर जब परिसर में पहुंचा कलेक्ट्रेट के अंदर किस तरीके का वहां नज़ारा था, उसके बाद अधिकारियों और पुलिस ने क्या कुछ कहा, आप देखिए। मैं आत्महत्या कर लूंगा साहब, देश सेवा करते हैं, यहाँ भिखारी नहीं है। गाली के लिए निकलते हैं। बात हुई है कि हमने अपनी एप्लीकेशन देने गया कि ये हमारे साथ क्या बीसी कर रहा। शाम का बजे क्या कर मुझसे नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगा यार। अरे यार साधु स्वामी कर रहे हैं, मैं मत करूंगा, देश में मरना यहाँ मरूंगा। मत किसी ने चार बच्चे हैं, तीन लड़की एक लड़का है। मैं यहाँ मरूंगा, बॉर्डर में मरता तो कुछ मिलता है, यहाँ मरूंगा तो आत्महत्या का लाएंगे। जिस मामले को लेकर मिलने गए थे, मैं अपनी जमीन प्रॉपर्टी के बारे में गया था। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं गांव का हूँ, मैं रीवा में रहता हूँ, राधापुरम में। मैंने एक अतारी में जमीन लिया 2011 में, मम्मी के नाम। अभी भाई ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, हम बोले ले लेते हैं, कल बच्चों को काम आएगा। ये राजू प्रॉपर्टी डीलर है, इसको हड़प के बोल रहा कि आप कहीं और जमीन ढूंढने जाओ, हमारा कब्जा है, हमारे नक्शा तनवीन है। मैं बोला आप पटवारी से मिलिए, यहाँ मैंने दिया वो पतगरी करवाने का, उसको पैसे के दम पे गायब करवा दिया। मैं एसपी ऑफिस में गया, मुजरिम पकड़ करके मेरे घर, मेरे जो प्लाट था उसको एक बार तोड़वा दिया राजू पटेल ने। दोबारा उसने आदमी भेजा, उसको मैंने वहाँ घूम रहा था, तीन आदमी जो गए थे वो तो गाड़ी से गए थे, मोटरसाइकिल से, तब तक हमने पहुँच गया तो वो दो भाग दिए, एक बचा वहाँ से। उसको हम जब गाड़ी उठाने लगा, हमने उसको पकड़ लिया, बोला तू कौन है भाई, बोला तुम आपने मेरी ये रास्ता बंद करिए हो, मैं इसको तोड़ने के लिए आया हूँ। बोला तुझे कौन भेजा, बोला राजू ने भेजा, मेरा जीजा है। मैं तू तेरा जीजा नहीं आया, तू कौन होता जीजा की प्रॉपर्टी लेने वाला, जीजा तेरा आएगा। इसके बाद वहाँ से उसको पकड़ के मैंने सिविल लाइन कोतवाली ले वहाँ ले गया, सिविल लाइन कोतवाली में सिटी कोतवाली, वहाँ से वहाँ कोई नहीं था, न एसपी साहब थे न डीएसपी था, कोई नहीं थे वहाँ, दो तीन सैनिक थे वहाँ। सैनिकों ने वहाँ ने बोला, मैंने बोला सर मैं एसपी ऑफिस में ले जाता हूँ, एसपी साहब के पास ले जाता हूँ। एसपी साहब आए, उन्होंने उसको मेरे को जो नेशनल एसपी था, बोले कौन है ये, बोला वो करौंदी के पटेल कुंडवी है, यहाँ किस लिए आया है, मारो जात इसको और भगाओ। ये शब्द किसने बोला? उसने डीएसपी एडिशनल डीएसपी आईबी सिंह ऐसे कुछ नाम है, बीपी सिंह ऐसे कुछ नाम है सर, मैं देख के नाम तो मैंने नहीं पढ़ पाया। इसके बाद जब उन्होंने जब गाड़ी से एसपी साहब जाने लगे, मेरे को मिलाया नहीं, तब मैंने कागज उनको दिया, मैं साहब ये मेरा न्यायालय है, ये है मेरी ये को है इसकी अर्जी। उन्होंने देख करके उनको पकड़ा दिया। उन्होंने बोला तुम क्यों बोल रहा है, मैं बोला सर मेरी आवाज़ ही, मेरे बच्चे भी ये बोलते हैं, मैं हर जगह मेरी आवाज़ यही है, ऐसे ही है। तो बोला तो इसको मारो गाला, बंदा अंदर बंद करो, मेरा कालर पकड़ के उठा दिया है। मैं बोला सर मैं भी एक सैनिक हूँ,
आप जैसे सैनिक हो, आप वर्दी पहने हो, मैं सिविल ड्रेस में हूँ, बाकी आप में मेरे में कोई अंतर नहीं। आप हम बॉर्डर में रहते हैं, गोली दिन रात घूमते हैं और चौकसी करते हैं, आप यहाँ आम जनता की चौकसी करते हैं। इसने बोला तुम जो बकवास कर रहे, गाली दे रहा उल्टा ऊपर से, उसको भगा दिया, बोला इसको भगा छोड़ो, इसके बाद उसको छोड़ दिया। मैं बोला सर इसको क्यों छोड़ रहे हो, इसको मेरे साथ भेजिए या वहाँ थाने में भेजिए। तब तक पुलिस वाले आए, दो हमको बैठा लिया, यहाँ कोतवाली ले आए, यहाँ कोतवाली मिल जाने के बाद मैं बोला उसको भी बैठाइए, उसको नहीं बैठाया। इसके बाद यहाँ से हमको ये साहब आए थे अभी, इन्होंने हमको वहाँ फिर वहाँ सिटी कोतवाली भेज दिया, इस कोतवाली से सिटी कोतवाली भेज, वहाँ गए, वहाँ वो कोई ये नहीं है, वहाँ बोले कि वो आप टीआई साहब आएंगे 2 बजे, आप 2 बजे आए, 2 बजे हम बैठे रहेंगे भूखे प्यासे तो हम यहीं मर जाते हैं। तीन दिन से हम खाना नहीं है, हम यहाँ आए आत्महत्या करने के लिए, किस जगह हम कलेक्ट्रेट आदमी में न्याय चाहिए, मेरी जमीन चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारा 3 लाख का सामान उठा दिया उसने। कलेक्ट्रेट ऑफिस में पेट्रोल क्यों डाले थे, पेट्रोल डाले कि हमारे कोई न्याय सुन नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ सब बिचे हुए हैं, पूरी पब्लिक कलेक्टर एसपी सारे बिचे हुए हैं। रिकॉर्डिंग है मेरे पास मोबाइल, और मोबाइल के मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कलेक्टर साहब को कि वो क्या बोल रहा है। कलेक्टर मेरे पीछे घूमता है, एसपी मेरे पीछे घूमता है, थानेदार तो कोई है ही नहीं, राजू पटेल बोलता है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है के एन पटेल, सैनिक, मैं पदस्थ हूँ दिल्ली। सिंह पटेल है, अभी कलेक्ट्रेट में आए थे, और कुछ परिजन थे, उनकी समस्या सुनी तो उन्होंने बताया कि इनके कोई जमीनी विवाद चल रहा है किसी इनके पड़ोसी राजेश से, वो बता रहा है कि इनकी कोई बाउंड्री थी, वो बाउंड्री उसने तोड़ दी, उसके लिए हमने आवेदन पत्र दिया था कोतवाली को, वो आवेदन पत्र भेज दिया गया था। टीआई कोतवाली ने 22 जनवरी को तहसीलदार को पत्र लिखा है सीमांकन के लिए, मौके पर पुलिस भी गई थी, देख क्या है, एक उसमें जाँच भी की जा रही है। आज ये मामला शायद एसपी ऑफिस पहुँचे होंगे, जिस तरह के इनका द्वारा मौखिक रूप से बताया गया, अभी हम लोग डीसी से बाहर ही निकले हैं, बता रहे हैं कि एसपी ऑफिस गए होंगे और वहाँ पर इस तरह की कुछ बात हुई होगी, तो वहाँ डीएसपी हेडक्वार्टर है हमारे एसबीसी, हो सकता है उनसे इनकी कोई बातचीत हुई, वार्तालाप हुआ है। इनका कहना है कि उन्होंने मुझे वहाँ से उठा दिया, भगा दिया, और उसके सीसीटीवी फोटो मांग रहे हैं। इस संबंध में संज्ञान में ले लिया गया है मामला, मामले की जाँच की जा रही है, क्या मामला है। अभी तहसीलदार से एडीएम मैडम भी आई थी, तहसीलदार को पाबंद कर दिया गया है कि आर आई पटवारी, पुलिस मौके पर संयुक्त रूप से जाएगी और वहाँ मौके की स्थिति देखेगी कि मामला क्या है जमीन का, क्यों इस तरह का विवाद ये चल रहा है, और ये लोग क्यों बार बार ये शिकायत लेके यहाँ आते हैं। जानकारी लगी उसमें से एक बंदे व्यक्ति जो है वो आर्मी में काम करता है, उसको संवेदनशीलता से देखते हुए पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है।